घिया लौकी तोरी परवल ये आपको बताऊं तो चाइनीज मेडिसिन में परवल दवाई है आयुर्वेद में परवल दवाई है घिया दवाई है जिसके शरीर में बहुत पित्त बनता हो पित्त मतलब खट्टी खट्टी डकारें सुबह उठते भी आ रही हैं और जब यहां पित्त ज्यादा होगा ना एसिड ज्यादा होगा तो वो सारा यहां भी निकलेगा ये जो पिंपल निकलते हैं ना ये एक्चुअली आपके पेट की वजह से अब आप अगर घीया लौकी खाते हैं तो ये आपका एसिड रेगुलेट हो जाएगा तो आपके स्किन पर ये जो निकल आता है समान। अच्छा आम खा लो। तब भी आ जाते हैं, तो वो किसी के निकले वो बोले ये क्या हो गया पिंपल बोले पिंपल नहीं आम निकले हुए <laughs> जो यहाँ खाए थे ना वही बाहर आ गए है ये आम निकले हुए है ये वाले आम तो अच्छे नहीं ना इसको कौन खाएगा भाई <laughs> तो आम क्या है गर्म होता है उसका जो तासीर है आफ्टर डाइजेशन द मैंगोज आर वेरी हॉट इन नेचर सो इफ यू ईट टू मेनी मैंगोज दैट विल क्रिएट मोर फायर इन द बॉडी हैंड्स द मैंगोज शुड बी ईटन विद सम रेस्टोरेंट एंड इफ़ यू रियली रियली लव योर मैंगोज एंड यू कॉन्ट स्टॉप देन एटलीस्ट अ बटर मिल्क लस्सी द सॉल्टी लस्सी फ्रॉम द बटर हैज़ बिन रिमूव्ड सो ड्रिंक दैट लस्सी सो दैट इट विल स्पेसीफाई योर सिस्टम सो आई नो यू माइट सेला नॉट गुड बट एक्चुअली करेला इज अ पावर हाउस टू कीप योर पेनक्रिया सेल्स फंक्शनिंग वेल जब पेनक्रिया ठीक नहीं चलता है तो डायबिटीज टू होता है तो ऐसी कोई सब्जी है ही नहीं जिसका लाभ ना होता हो पर हमारे दिमाग में बैठ गए पार्टी पिज्जा पार्टी पिज्जा पार्टी पिज्ज़ा मना नहीं मैं कर रही हूँ हम खुद बहुत अच्छा बना लेते हैं चार पांच प्रकार का बना लेते हैं लास्ट ईयर दो दो एक साल पहले यूथ शिविर में दूसरों को भी सिखाया गया था पर सवाल ये है कि हम क्या ऐसी चीज़ खाएँ जो जाके हमारी आंतों को जकड़ दे या ऐसी चीज़ खाएँ जो हमारे सिस्टम को फ्री फ्लोइंग रखे क्योंकि मैदा खाने से कब्ज होगी कॉन्स्टिपेशन होगी कॉन्स्टिपेशन होगी तो चमड़ी खराब होगी चमड़ी ख़राब होगी तो मुंह पे ब्लमिश आएंगे पिंपल्स आएंगे और आलस्य बना रहेगा और दिमाग भी ठीक से नहीं चलेगा क्योंकि ये जो जो शुगर की मात्रा होती है ना मैदे में वो जाके आपके दिमाग के सिस्टम को भी डाउन कर देती है इसलिए भारत में मात्र डेढ़ सौ साल पहले Uh, जो गेहूं खाया जाता था वो अलग था वो लाल गेहूं था जिसे काठियावाड़ी गेहूं भी कहते हैं मैदा तो ये गोरों के साथ आए वो खुद भी गोरी गोरी चमड़ी तो उन्हें रोट अपनी ब्रेड भी गोरी गोरी चाहिए थी तो ये उन्होंने लाए हैं हमारे यहाँ पर ये नहीं था हमारे यहाँ जो रोटी बनती थी वो क्या बोलते है? जाड़ी बनती थी मोटी बनती थी मोटे आटे की बनती थी अब ये बनाने वाले के ऊपर है कि उसको हल्की सी जैसे वो अगर वालों में बोलते हैं ना फलका बिल्कुल हल्का फूल जैसा वो वो खाएंगे कि कैसे खाएंगे वो तो बनाने वाले के ऊपर है अब हम ये कहते हैं कि हमारे इस देह के प्रारब्ध से जो भोजन आया उस भोजन को देख के नाक मुंह चढ़ाते हैं आप पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है कि फिर आपको नहीं मिले फिर क्या करोगे इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि आपकी भोजन की थाली में जो आया वो क्या है प्रसाद तो प्रसादे सर्व दुख नाम इस प्रसाद को खाने से मेरे सर्व दुखों का नाश हो जाएगा और उससे क्या है हानि रसोपजा और जो शरीर में जितने रस चाहिए वो सब सही रस का संचार होगा प्रसन्न चेत सोशो इससे हमारा चित्त भी प्रसन्न होगा चित्त भी शुद्ध होगा हमारी जो बुद्धि है पर्यवतिष्ठते हमारी बुद्धि स्थिर होगी हमारी बुद्धि जल्द ही परमात्मा में लगेगी सी वॉट अ ब्यूटिफुल थॉट वेन एवर फूड एंड वॉट एवर फूड इज इज कमिंग इन योर प्लेट डोंट फाइट विद इट डोंट से इफ बट नो आई डोंट लाइक इट आई हेट इट डोंट से इट रिसीव इट विद लव दैन यू विल रिसीव द फूड विद लव एंड यू विल ईट दैट फूड विद देन दे से द फूड इज देन Change the quality of a prasad. Prasad means which gives you joy. When you eat this food, it will bring you joy. It will give you the optimum level of the juices which are required to run this body machine. And it will also purify Shuddha, Chitta. And also, it will give stability to your intellect so that it can easily get engrossed. इन द डिवोशन एंड इन लव ऑफ द डिविटी सो दिसज द सेकेंड श्लोक थर्ड अहम वैश्वान् भूत प्राणीना देह्रिता प्राणपान समयुक्त पचा्यम चतुर्विधम अहम वैश्वान प्रभुत्वा इसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस सारे विश्व में सूक्ष्म शक्ति के रूप से मैं ही वैश्वानर सब जगह पर विश्व का ईश्वर वैश्वानर वो बोले मैं आहम मन मैं वैश्वानर मैं ही जठरा अग्नि बन के जैसे मैंने कहा ना जल सब बुलबुले और सब लहरों में मौजूद है ऐसे ही इस पूरे विश्व में जो मौजूद है उसको कहते हैं विश्व का स्वामी वैश्वानर और तुम्हारे पेट में अब तो खाने की बात हो रही है ना तो ये तुम्हारे पेट में जो भूख लगती है ये इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं जठर अग्नि जठर माने पेट में जो अग्नि है उसे कहते जठरा अग्नि उसे कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि है यह भी ईश्वर ही है तो जब आप भोजन खाते हो तो भोजन तुम नहीं खा रहे उस ईश्वर को ही भोग लग रहा है वाह प्राणी नाम देह आश्रित सब प्राणियों की देह का आश्रय कौन बोले ईश्वर प्राण अपान समय युक्त प्राण जो आप श्वास भीतर ले रहे हैं अपान जो बाहर निकल रही है इस प्राण और अपान भोजन का जो पाचन है वो इसी प्रोसेस से होता है जो आपने खाया उसमें पेट में जो प्रोसेस हुई उसका रस शरीर को मिला उसका जो वेस्ट आइटम है वो आपके मल मूत्र से पसीने से शरीर से बाहर निकल जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को कौन कर रहा है बोले ईश्वर ही पचाम्यनम पांच ये जो हम अन्न खाते हैं चतुर्विदम ये जो चार प्रकार के हम अन्न खाते हैं इन सब अन्न को पचाने वाला भी ईश्वर ही है अब ये 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 बात क्या हो रही है कि इसमें तुम मैं मेरी निकालो ना ये शरीर मैं है ना ये शरीर मेरा है अगर ये मेरा होता तो हम इसे मरने ही ना देते एक ने 120 साल के एक महिला से पूछा कि आप कितनी लंबी आयु कैसे हो गई आपने क्या किया कितनी मैं मरी नहीं वट इज सीक्रेट ऑफ लॉन्जेबिटी शी सेट डोन्ट डाय शी लॉन्ग बट इज इट दैट सिंपल इट्स नॉट एवरी टाइम वेन आई टॉक अबाउट दिस I always, you know, get this in a flash, the memory of a very wonderful young kid named Deepak, who came to me to me in I think so it was 1999, uh Shivirin Rishikesh. He had been writing letters to me that I wish to come to you. Uh, he was, I think, so 17 or 18, and he said, "I have a very strong wish. I want to become a sannyasi, and I wish to live with you and serve and gain knowledge and everything." So I replied, "I am coming in Rishikesh. You better come and see me there." And the very evening when I arrived in Rishikesh, just before the retreat, I got the news that somebody has drowned in Ganges, and it was none other than this young boy, Deepak. You know how the destiny played the game? He couldn't even meet me. I couldn't even look at his face. He went for the dip in Ganga. There was a very strong undercurrent. Maybe he lost his balance. What happened? He drowned. His body was never found. And his mother and sister were crying and crying. And they thought that I have hidden him somewhere. Whereas I had not even seen him. What to say about hiding him? And why would I hide anybody? So you never know when the death will strike. Life is a blessing, life is short, appreciate it, it's a blessing, relish it, enjoy it, and make it fruitful. Life is very, very precious. Even if you are the richest person of the earth, yet when the death bell will ring, body will die. You can't stop it. You can't stop it. So who is running the prana in your body? You say, Ishwara. How long this prana will be active in your body? As long as your karma is being active to give you joy or sorrows in your life. When that gets exhausted, body will drop dead like a dead cell. You know, the cell is working and suddenly it's gone. What happened? There was a duration, right, of that cell. That it would work for this many hours when those hours are done cells just die similarly this body is running on the cells of prana the day prana gets exhausted the body just drops dead whether you are sick or not accident happens or, or you are on the bed whatever it might be but the beauty is this the body dies the mind doesn't the body dies you don't And then you come back again in a new body, new set of parents. But most of the time you will be repeating the same mistakes again, which you had been doing in many, 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 many previous lives. And it goes on. It's only who are very fortunate will get to meet a Sadhguru, a Master, and in the guidance they learn about their true self. They learn about yoga, sadhana and mantra. They learn about the beauty of this path and then live their life in a wondrous way. नहीं तो यही होगा कर्म का एक सेट है जिसके अनुसार आपकी लाइफ की ड्यूरेशन बन जाती कि कम आयु होगी मध्यम आयु होगी कि लंबी आयु होगी ये तय है किसने किया आपके ही कर्म ने आपके मां बाप कौन होंगे ये भी आपके कर्म से है देखो कभी बहुत अच्छे मिलते हैं कभी कर्मज बुरे भी मिल सकते बुरे क्यों मिले कहीं जरूर मेरे कर्म का दोष होगा पर एक बात याद रखना जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें कई बार तुम्हारा बेड़ा पार लगाने आती हैं मैं एक कहानी कहती हूं एक आदमी काम से लौट रहा था नदी पार करके जाना पड़ता था उसे तैर के और कभी कम हो पानी तो चल लेता था कमर तक पानी होता था चल के गए पार और दो किलोमीटर और चले तो घर आ जाता था आज जब वो आया वापस तो देखता है नदी में तो बाढ़ आई पड़ी तो वो किनारे खड़ा सोच रहा है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं इतने में क्या है जहां वो खड़ा था वो किनारे की रेत खिसक गई और वो नदी में लुढ़क गया अब वो इतना तेज बहाव था वो बह रहा है मन ही मन डर रहा है रो रहा है मुसीबत कोई है ही नहीं दूर दूर जो बचाए जो उसको पकड़े जो उसको संभाले और नदी तो उछाले जा रही है लहर इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर और वो बह रहा, बह रहा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है और फिर एक बड़ी सी लहर आई और उस लहर ने उसको धकेला और वो जा किनारे पे गिरा और जब थोड़ा होश करी तो घर सामने ही था घर सामने ही था वो जो दो किलोमीटर पैदल चलना था ना नदी ने फ्री राइड दे दी और जब तक वो किनारे नहीं पहुंचा वो क्या सोचता है मैं तो डूब रहा हूं मैं कितना बदकिस्मत हूं मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है हे भगवान तू मेरा दुश्मन क्यों है सारे फिल्मी डायलॉग याद कर लो पर हुआ क्या अंत में घर के पास पहुंच गया दो किलोमीटर चलना नहीं पड़ा तो कभी कभी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं ना वो मुश्किल इसलिए नहीं आई कि आपकी जिंदगी में तकलीफ बढ़ाए वो मुश्किल इसलिए आई है कि वह आपको किनारे लगा देती इसलिए बहुत जल्दी ये नहीं कहना चाहिए हाय हाय ये क्यों हो रहा है हाय हाय ये क्यों हो रहा है हाय मत करो हाय करो पर हाय मत करो ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया कुछ होता है तो कुछ कारण होता है कारण समझ नहीं होती तो हम परेशान हो जाते पर अकलमंद कौन है जो मुश्किल आने पर परेशान नहीं होता है। अब हम परेशान ना हो तो उसके लिए आपको अलग अलग चीजें तो हम सिखा ही रहे हैं अब तुम्हारे कुछ सवाल ले देते थे mm हम्म -hmm. ये है आ, ये देखो एक आ गया मैं कोई भी चीज जितनी भी मन से करूं उसका कभी अच्छा फल नहीं मिलता गुरुदेव बताइए कि मैं अपने मन को एकदम पक्का करके और प्रेम और एकाग्रता को कैसे प्राप्त हूं मुझे हमेशा दूसरों की चिंता रहती है उसे कुछ मेरा कहा बुरा ना लग जाए अपना दिल दुखे तो आपको याद करके भजन करके या रो के दुख निकाल लेती हूं पर अगर दूसरे मेरे से दुखी हो जाए तो मैं क्या करूं देखो आपकी जुबान आपके नियंत्रण में हो आप क्या बोलेंगे ये आपके ऊपर है आपके बोलने पर सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम कुछ भी अंट शंट बोलते जाओ याद रहे यहां जो दूसरे को फेंकेंगे ना वो घूम के अपने पास ही आएगा दुख दुख जो है वो सोन पापड़ी होता है सोन पापड़ी समझ तो अजीब सी मिठाई है सोन पापड़ी का डब्बा दिवाली पर गुप्ता जी ने अरोड़ा को दिया अरोड़ा ने अग्रवाल को दिया अग्रवाल ने ग्रोवर को दिया ग्रोवर ने रिझानी को दिया रिझानी ने मोहनानी को दिया मोहनानी ने गोयल को दिया गोयल ने गुप्ता जी को दिया और गुप्ता जी के पास वही डब्बा घूम के महीने बाद वापिस अब ये तो अपना ही है